हेलो विवेक, कैन इज इट? टेल मी विवेक, ओके। आई थिंक आप प्रिटी लग रहे हो। नहीं, आई थिंक नहीं मैं लग रही हूँ, मुझे पता है, बट थैंक यू। आप खूबसूरत हैं। कैन आई गेट योर नंबर? सीधा नंबर? या और कुछ नहीं, सीधा नंबर। या डोंट वेस्ट टाइम यार। नहीं, आई डोंट वांट टू गिव यू माय नंबर। व्हाई शुड आई गिव यू माय नंबर? आप अच्छे लग रहे हो। तो ऐसे तो मुझे सौ लोग बोलते जाते हो आप अच्छे लग रहे हो, मैं सबको नंबर बांटती हूं। नहीं, रियली रियली आप खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। सो कैन आई गेट योर नंबर? नो। देखिए, पहली बार मुझे ना किसी लड़की ने इतना अट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं नंबर मांग रहा हूँ, अदरवाइज मैं बोलता नहीं हूँ किसी से। आई नो आप प्रीटी हैं, इसका मतलब दे सकते हैं। मैं प्रीटी हूँ तो एकदम टूट पड़ोगे, नंबर मांग लोगे। क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ। टाइप ऑफ जॉब? आई वर्क इन अ बीपीओ। कॉल सेंटर? बीपीओ। कॉल सेंटर क्या होता है? बीपीओ क्या होता है? बीपीओ इज अ सोफिस्टिकेटेड टर्म फॉर कॉल सेंटर। आप क्यों पूछ रहे हो? ओके, लीव इट, लीव इट। नाम क्या आपका? क्यों बताऊं? नाम तो बता सकती हैं आप। जस कीरत। कीरत? जस कीरत। जस कीरत। आपका नाम भी बड़ा औसम है, जस कीरत, और आप देख भी बहुत सूरत रही हैं। यू बी माय गर्लफ्रेंड? नो। व्हाई? व्हाई शुड आई बी योर गर्लफ्रेंड? यार आप खूबसूरत हो, आप प्रीटी हो, तो देन मैं भी जवान हूँ, हैंडसम हूँ। मैंने तो नहीं बोला ये। नहीं, आपने नहीं बोला, बट आप यहाँ बैठी थी एक्चुअली, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो वहाँ पे मैं था और आपको देख के ना मेरे जो दिल की धड़कने थे, हार्ट बीट इज पंपिंग, काफी ज्यादा तेज हो गई। बीपी चेक कराए? चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं, आप जाओ, मैं तो बैठी हूँ। साथ में चलते हैं ना। आप किसी का वेट कर रही हो? नहीं, पार्क में अकेले बैठे तो किसी का वेट ही करना होता है। मतलब ठीक है, अब पार्क में बैठी है तो वेट ही कर रही है, इसका मतलब? नहीं, मैं किसी का वेट नहीं कर रही थी, आपका तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। Do you have a boyfriend? No, I don't. देखिए, आप मुझे पसंद है। पसंद तो आप हमारी जीत सर है। पसंद तो मुझे ये पेड़ भी है, तो क्या कर सकते। देखिए, हमारी ये मोहब्बत समझिए अजीत, लेकिन आप हमें पसंद है। अच्छा चलो, मुझे बताओ कि मेरा नेचर कैसा है, बताओ। चलो, आपका नेचर बहुत औसम है। आपको कैसे पता? मैं तो बहुत कुत्ती भी निकल सकती हूँ। फिर क्या करोगे? बड़े आरामी हूँ बेटा। बताओ बताओ। नहीं नहीं वैसे आप नहीं लगती मुझे। लगने से क्या होता है? लगने से तो बहुत कुछ होता है। रहन दीजिए, इतना तेज से बोलेगी मेरे दिल की पंपिंग और तेज हो जाएगी। ऐसे करके बैठिए, संभालिए और बताइए कि ऐसा ऐसा आपको क्या पता कि मेरा नेचर कैसा है। अब मेरे साथ कैसे रिलेशनशिप में आ सकते हो जब आपको पता ही नहीं। अच्छा चलो, ये बताओ मुझे खाने में क्या पसंद है। क्या बोला आपने? मुझे खाने में क्या पसंद है बताओ। मुझे नहीं पता। तो आप मेरे को प्रपोज कर रहे हो, आपको यही नहीं पता मुझे खाने में क्या पसंद है? तो मैं खाने के लिए थोड़ी प्रपोज कर रहा हूँ। अच्छा, गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? ओके ओके ओके, गर्लफ्रेंड खाने के लिए गर्लफ्रेंड कौन बनाता है? तो मतलब आप मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? आप मेरे को डेट पे नहीं लेके जाओगे? हम लखनऊ वाले हैं। तो मुझे टुंडे कबाब खिलाओगे नहीं फिर? मुझे तो पता है लखनऊ में क्या मिलता है, आपको तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ से हूँ। कहाँ से हैं आप? अब मैं क्यों बताऊँ, आपने पूछा मेरे मुझे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हम पूछ लेते हैं कहाँ से हैं आप। मैं मेरठ से हूँ। वहाँ तो कट्टा भी सुनने में आता है, बिकता है। बिकता है, मिलता भी है। आप तो सप्लाई नहीं करते हो। मैं क्यों बताऊँ, मैं स्मगलिंग करती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं स्मगलिंग करती हूँ। अच्छा, स्मगलर हो? सच में? आप स्मगलर हो? हाँ। सारे क्रिमिनल तो देख के आपको पागल हो जाएंगे यार, स्मगलिंग कौन करे? तभी तो स्मगलिंग करती हूँ, कोई सोच नहीं सकता ना। सीधा कट्टा था या? मेरठ से? नंबर क्या है गाड़ी का मेरठ का? 8349 UP 15 नेवी। अरे क्या बात, अब तो मैंने आपको अपनी गाड़ी का नंबर बता दिया, फोन नंबर मत मांगना मुझसे। मुझे तो आपके घर का नंबर चाहिए। घर का ले लो, घर जाके बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। शादी थोड़ी करनी है आपसे, शादी नहीं करनी है। ठीक, आखिर मेन मोटिव तो वही होता है। नहीं नहीं, शादी थोड़ी करनी होती है, गर्लफ्रेंड बना के तो ब्रेकअप करना होता है ना। देखा, पता है मुझे, इसीलिए नहीं बनना मुझे गर्लफ्रेंड। नहीं, मुझे आपको ब्रेकअप नहीं करना है ना, मुझे आपको मतलब पसंद है आप,
वैसे हम लखनऊ से हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ बड़े आदाब से की जाती है। हाँ, वो तो मुझे तो हम अपनी मोहब्बत को बड़े आदाब से करना चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे एक शेर सुना दीजिए फिर। दिल के बाजार में हम हुस्न को दौलत समझ कर नहीं बेचते। वाह। दिल के बाजार में हम हुस्न को दौलत समझ कर नहीं बेचते, अगर लड़की पसंद आ जाए तो हम उसको नहीं छोड़ते हैं। अगर लड़की पसंद आ जाए तो हम उसको नहीं छोड़ते हैं। माना हम थोड़े से खुखार टाइप के हैं तो क्या हुआ, माना हम थोड़े से खुखार टाइप के हैं तो क्या हुआ, लड़की पसंद आ जाए तो बस हम हाँ कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ रही हूँ मैं आपकी भावना, बिल्कुल समझ रही हूँ। शेर तो अच्छा था पर मुझे लखनऊ के कबाब खाने, वो मुझे ज्यादा। हुस्न की नुमाइश नहीं करते हम। अच्छा, सुनना। हुस्न की नुमाइश नहीं देखते हम, हम तो आपकी अता पे मरते हैं। हुस्न की नुमाइश नहीं देखते हम तो आपकी अता पे मरते हैं। आप जो मुस्कुराती हैं ना, हम आपकी इस मुस्कान पे मरते हैं। थैंक यू, पता है मुझे मेरी स्माइल अच्छी है। सच्ची? तो विल यू बी, फिर आप हमारी गर्लफ्रेंड है। पर आपको शादी थोड़ी करनी है। तो शादी तो आपको भी नहीं करनी है। नहीं, मैंने कब कहा। अच्छा ये बताइए, लोग लड़की पटाते क्यों है, मोटिव क्या होता है? पता नहीं क्या हो जाता है लड़कों को, लड़कियां पटा लेते हैं। अच्छा, मेन मुद्दा क्या होता है? उनको कोई चाहिए होता है बात करने के लिए। बात तो एक बहाना है करने के लिए। बात तो एक बहाना है। हाथ पकड़ने के लिए, गले लगने के लिए। हाथ पकड़ने के लिए तो मैंने नहीं सुना आज तक किसी ने गर्लफ्रेंड बनाया हो। कह छोड़िए, मुझे नहीं जाना। समझदार भी नहीं चाहती हूँ आपको। पर ठीक है ना, तो वो हर किसी का अपना तरीका होता है, अपना अपना मकसद होता है। नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मेरे मकसद बड़े नेक है यार। ठीक है, भगवान ने और अल्लाह पाक ने मेरा मकसद बड़ा खूबसूरत रखा हुआ है। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड तो होएगी पक्का पक्का। नहीं, आप कैसे श्योर कर सकते हो मेरी गर्लफ्रेंड होएगी? अब आपको इतनी लड़कियां पसंद आती हैं तो एक तो गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन आप जैसी कोई पसंद नहीं आई। पर आई। लेकिन लेकिन माशाल्लाह, एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो मुस्कुराते हो बहुत लाजवाब मुस्कुराते हो। थैंक यू। आप बड़े खुले मिजाज के हो। अभी आपका है कोई या नहीं है? नहीं है, आपका है, आप बताओ आपकी कोई है? बहुत जल्दी आप एकदम फ्रैंक हो जाते हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर ठीक है, बात चल ही रही है तो बता दो ना फिर, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप मेरे से पूछ रहे हो मेरा बॉयफ्रेंड है, आप बताओ आपकी गर्लफ्रेंड। तो आप मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड बनना चाहेंगे? अच्छा, आपकी है थर्ड गर्लफ्रेंड बनना चाहेंगे? बताओ ना मुझे कौन है। आप मेरी थर्ड गर्लफ्रेंड बनना चाहेंगे? अच्छा, अभी एक और है। नहीं, इतनी लंबी कतार में तो मैं नहीं लगूंगी। इतनी देखिए, भगवान के दर्शन करने के लिए कतार तो लंबी हो ही जाती है। आप भगवान ने कृष्ण भगवान हो यार, कृष्ण हो मतलब आई लव। पर मैं कोई गोपी नहीं हूँ तो मैं किसी मैं उनका करेक्टर पसंद नहीं है। भगवान है, मेरी इतनी हैसियत नहीं, मैं भगवान बनूं, लेकिन मेरा करेक्टर वैसा है। मैं इस कतार में शामिल। वैसे वो सब कतार हटा दीजिए, आप लास्ट वाली कतार की पहली लड़की हो जो मुझे पसंद हो। पर ना यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ, उस भी सीट पे देखिए दो लड़कियाँ बैठी हैं, उधर भी दो लड़कियाँ बैठी हैं, तो हो आए हो सबके पास? पहले आप हो। अच्छा, पहले मैं हूँ। फिर ऐसे जाना है मतलब अभी? नहीं जाना। अच्छा, हो सकता है मेरा इसके ही मुकम्मल हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। पर मुझे हसरत नहीं कि मैं आपको पाऊँ, अदा ही मेरी चाहत है, बस मेरी जिद है यार। जिद है? हाँ, जिद, जिद के लिए तो बनता है इतना। जिद है तो करनी है बस। हाँ, अब आप जिदो हमारी यार। ठीक है, तो बताओ तो सही, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं है। मैं उससे बात करूंगी ना कि अब ये मुझे पसंद करते हैं, तो तुम जाओ निकलो, अब मेरी बारी है। काम करिए, आप छेलिए, छोड़िए, उठिए ना आप। वैसे हाइट भी हमारी सेम है। नहीं, सेम नहीं, मैं छोटी। आप छोटी हैं? हाँ। कोई बात नहीं, हमारे साथ आने वाले लोगों का कद बढ़ जाता है। हाँ, नहीं मैं हील्स पहन लेती हूँ। आप समझ नहीं पाई हमारी बात को? नहीं, मैं समझ गई। आप मेरठ से हैं लेकिन समझदार नहीं लगती मुझे। हम अच्छा तो आप खूबसूरत तो हैं लेकिन समझदार नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? ना जाने क्यों। तो ठीक है ना, कभी कभी ना समझ होना भी अच्छा होता है उसका। हाँ, प्यार के लिए एक प्रॉफिट है उसमें भी। मोहब्बत तो तब होती है जब सामने मेरा आशिक हो और सिर्फ बातें हो, वक्त का पता ना चले। देखो ऐसे ही होता है। वहां पे कैमरा लगा है, ध्यान से देखिए। अब मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। ये मोहब्बत इतनी भी आसान नहीं जो हर किसी से हो जाए। माना आप खूबसूरत है। हाँ, तो मैंने हाँ भी नहीं बोली थी। वैसे आप बोलने वाली थी। नहीं, मैं तो बात देखिए, मेरी एक फितरत बड़ी कमाल की है जी। बताइए, इन नजरों में जो है ना,
कुछ अलग सी अदा है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, ये हंसती है बड़ी नजाकत के साथ, और इस नजाकत में तो कोई भी फिदा हो सकता है यार। बट अच्छा लगा आपसे बात रियली, बट लाइक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बट मैं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। नहीं अच्छी बात है, लेकिन आपकी नजाकत बड़ी पसंद है। अच्छी बात, आपके लिए तो मैं भी पिघल सकता हूँ। सच्ची रखो, मैं आपको अपना फोन दे देता हूँ, आप भी क्या याद करेंगे यार। अपना फोन लो, मैं अपना फोन रख ली हूँ। कोई बात नहीं गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, है बड़ी खूब बैठी आपसे बात करते हैं कुछ। हाँ जी जी जी, ये लो तो आपने कहां से खुशी में अपना फोन भी गिरा दिया। कहां से हैं? एक बार मेरे हैंड को टच करिए ना। अरे आप शिवर शिवर क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, होता है, मुझे पता है। बंद कर दो भाई, बंद कर।